सलाम आदाब, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टुडे में। आज हम आए हुए हैं अररिया डिस्ट्रिक्ट के पीएफआई के सिक्योरिटी साहब से, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, जिसके एक आवाज़ में पूरा देश हिल जाता है। तो आज कल जो हिजाब का मुद्दा इंटरनेशनल बना हुआ है, तो उसी बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे। सबसे पहले जो आपसे सवाल ये है, जो हिजाब को जो मुद्दा बना हुआ है इंटरनेशनल मुद्दा, उसमें पीएफआई को क्यों जोड़ा जा रहा है? सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल का, यूट्यूब चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक सुलगते हुए इशू पर हमसे बात करने की कोशिश की है। देखिए, ये हिजाब का इशू एक नेशनल से इंटरनेशनल तक पहुंच चुका है। असल में ये आरएसएस का फिस्ताई ताकतों का एक फिक्स किया हुआ, मुतय्यन किया हुआ प्री प्लान एक एजेंडा है, जिसके तहत वो मुल्क के अंदर नफरत का माहौल और उसके साथ साथ अभी 5 रियासतों में जो इलेक्शन और चुनाव होने जा रहा है, कहीं न कहीं बीजेपी को इन 5 रियासतों में अपनी हार जाहिर दिख रही है। इसके वजह से कुछ ऐसा इशू चाहिए जो एक उभरता हुआ होना चाहिए, जो हिंदू मुसलमान के अंदर तफरीक करने का एक जरिया होना चाहिए। तो उन्होंने एक प्री प्लान इसको शुरू किया है कर्नाटका से। पीएफआई और सीएफआई और जो एचडीपीआई को मिला के जोड़ रहा, क्या सीएफआई और पीएफआई एचडीपीआई क्या एक ही संगठन के अंदर है? देखिए, पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया एक सामाजिक तहरीक है, सीएफआई और एचडीपीआई का इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। सब अपने अपने मैदान में अलग अलग इशू के तहत काम कर रहे हैं। ये आरएसएस से मुतासरीन जो मीडिया है, न्यूज़ चैनल है, उन्होंने हर एक इशू में एक पीएफआई को बदनाम करने की कोशिश किया है। तो ये जो हिजाब इशू है, इसमें सीएफआई और एचडीपीआई का नाम आ रहा है, साथ साथ उन्होंने पीएफआई को भी इसके अंदर शामिल करने की कोशिश किया है। वो इसमें आमतौर से आपको ये समझना पड़ेगा कि एनडीए हुकूमत आने के बाद तकरीबन 7-8 साल से हम ये देख रहे हैं पूरे मुल्क में, कुछ भी एक इशू अगर यहाँ होता है, चाहे वो शाहीन बाग का हो, सीएनआरसी का हो, हाथरस का हो, कुछ भी एक इशू हो, आप अगर मेन स्ट्रीम मीडिया को देखने की कोशिश करेंगे तो प्री प्लान उसमें पीएफआई का नाम आ ही जाता है। तो ये आरएसएस और फिस्तायत के पैसों पर, उनके खर्चों पर चलने वाले जो न्यूज़ चैनल है, एंकर हैं, उन्होंने एक प्री प्लान एक पीएफआई को हिजाब इशू में शामिल करने की कोशिश किया है, ये उनकी साजिश है। आखिर पीएफआई क्या चीज़ है कि जिसमें बार बार इल्ज़ाम लगाते, कोई मुद्दा पीएफआई मुद्दा उठा लेते हैं वो सब न्यूज़ चैनल जो पीएफआई को टारगेट रखकर क्यों करते हैं? उसका जवाब यह है कि फिस्तायत की आंख में आंख डालकर, फिस्तायत के गैर संवैधानिक एजेंडे को नाकाम करने के लिए ज़मीनी तौर पर पीएफआई पूरे मुल्क भर में एक मुहिम चलाती है और एक फिस्तायत को पीछे धकेलने के लिए हर मुमकिन कोशिश एक संविधान के दायरे में करती है। तो इसलिए सीधे तौर पर फिस्तायत, आरएसएस, संघ परिवार पीएफआई को अपना दुश्मन समझती है। इसी का नतीजा है कि हर चीज़ में इनको बदनाम करने के लिए, इसको पीछे धकेलने के लिए, इनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है। क्या आप अपने समाज को कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हिजाब और पर्दा ये कोई आज से शुरू नहीं हुआ है, ये हमारे शरीयत का एक हिस्सा है, अटूट हिस्सा है, जिससे अलग होकर के हम जी नहीं सकते हैं। और ये प्री प्लान एक हिजाब को इश्यू बनाया है ताकि उसके जरिए से हिंदू मुसलमान किया जाए। तो मैं नॉर्मली तौर पर ये कहूँगा हमारी माँ बहनों को कि हिजाब हमारे इज्जत है, हिजाब हमारी शान है, हिजाब के अंदर हमारे इज्जत की हिफाजत भी है और शरीयत का एक बहुत बड़ा मसलहत भी है, मकसद भी है। इसलिए आप हर हाल में जहाँ भी रहें, जिस हाल में भी रहें, हिजाब को, जो कि शरी हिजाब है, शरी पर्दा है, उसको आप अपनाने के लिए कोशिश करें। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारा निजात और कामयाबी है। ये जो गलत धारणाओं जो फैलाया जाता है, क्या उस बारे आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ये फिर वापस में वही कहूँगा कि ये आरएसएस और संघ परिवार की प्री प्लान एक एजेंडा है। तमाम नौजवानों को, उम्मत मुस्लिमा को मैं आपके ज़रिए से ये कहना चाहूँगा कि आप संजीदगी का मुजाहरा करें और आरएसएस के जो फितने हैं, एजेंडे हैं, उसमें आप ना फंसें। संविधान को, आइन को कभी भी आप अपने हाथ में ना लें, बल्कि एक संविधान को, यहाँ के भाईचारा को, गंगाधर तहजीब को बरकरार रखते हुए एक गलत करने वालों को आप डिफेंड करें और शरीयत के और कानून के दायरे में रह करके डिफेंड करें।